नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हिंदुओं के लिए सिविल लॉ है तो मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ। हालांकि केंद्र की पहल पर विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर रायशुमारी कराई, 16 सवाल बनाए और कहा लोग इसे भरकर अपनी राय दे सकते हैं। इसी बात से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सख्ते में नहीं गुस्से में है। उन्होंने केंद्र के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि ऐसी कोई भी कोशिश देश की अनेकता को खतरे में डाल देगी। यहां तक कह दिया कि हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। लात जूतों, जी हां आपने सही सुना जो शब्द मैंने कहे, लात जूतों का सहारा लेना पड़ा तो वो भी हम लेंगे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ आरोप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगाए गए हैं। क्या इसे माना जाए कि ट्रिपल तलाक को लेकर एक दबाव बनाया जा रहा है केंद्र सरकार पर? यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हम अपनी राय जाहिर करेंगे। अब उसको आप दबाव समझें, मोहब्बत और प्यार समझें, ये लात जूता समझें। शब्द आपने सही सुने हैं, ऐसे शब्द कहे गए हैं। और यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री जाए सरहद तो संभाल नहीं पाते, यहां पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। सवाल यह है कि किस तरफ यह पूरी बहस जा रही है? क्या वाकई सरकार, जैसे इनका आरोप है, एक समान नागरिकता संहिता, यहां पर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड थोप रही है लोगों पर, या फिर जो संविधान की तरफ से अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि यही आपका मिशन होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ता यह कदम है। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है, उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो। ये एक तरह की खयानत है, धोखाधड़ी है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, अब विरोध का नया मोर्चा मुस्लिम धर्मगुरुओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने खोल दिया है। मुद्दा ट्रिपल तलाक का है, जिसे लागू करने के लिए विधि आयोग ने लोगों से राय मांगी है और सवालों की इसी फहरिस्त पर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड आग बबूला है। अल्लाह की किताब कुरान है या रसूलुल्लाह की हदीस है, कोई अगर उसके खिलाफ यकसा सिविल कोड से इस मुल्क में रहने वालों का एक ही कानून रहेगा, इसका मतलब है कि 20 करोड़ मुसलमान अपने मजहबी तशख्स के साथ इस मुल्क में जिंदा नहीं रहेंगे। हमको ये मंजूर नहीं है। तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के हलफनामे और विधि आयोग के 16 सवालों के जवाब में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उल्टे सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। अलग अलग तहजीब के लोग रहते हैं, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सबों को एक रंग में रंगने की कोशिश की जाएगी, जो मुल्क के हित में नहीं है। ट्रिपल तलाक पर केंद्र और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलीलों में बड़ा फर्क है। सरकार का कहना है कि ट्रिपल तलाक लैंगिक समानता के खिलाफ है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि मुस्लिम समाज में सबसे कम तलाक होते हैं। सरकार के मुताबिक धर्मनिरपेक्ष देश में ट्रिपल तलाक विभाजनकारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इससे भारत की अनेकता वाली प्रकृति नष्ट होगी। सरकार की दलील है कि 20 इस्लामिक देशों में ट्रिपल तलाक की पद्धति खत्म हो चुकी है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि केंद्र ने विशेष समुदाय के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ट्रिपल तलाक के सिस्टम को खत्म करने के लिए सरकार की सिफारिश पर विधि आयोग ने लोगों से राय मांगी है और उसने 16 सवाल पूछे हैं। सरकार की इसी कोशिश के खिलाफ अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आंदोलन की भी धमकी दी है। कुल मिलाकर ट्रिपल तलाक पर रास्ता सरकार और मुस्लिम समुदाय के एक बड़े तबके के बीच आर पार का होने जा रहा है। मुस्लिम संगठनों ने साफ तौर पर सरकार को चेतावनी दे दी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो हर स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा। साफ है, आने वाले दिनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड और पर्सनल लॉ जैसे मुद्दों पर तकरार और बढ़ेगी, और देखना यही है कि इस सब पर कोर्ट का भी क्या रुख रहता है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो क्या ऐसा धर्म संकट लोकतंत्र में जरूरी नहीं है? क्या इससे कमजोर होती है जड़ें?
क्या धर्म को संविधान के ऊपर माना जा सकता है? क्या एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए? इन्हीं सवालों पर आज हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे। सबसे पहले आपको परिचय से करा दे, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। कमाल फारूकी साहब जो कि मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नूर जहां जी सेक्रेटरी है मुस्लिम विंग की इसी बोर्ड की, वो हमारे साथ जुड़ गई है। कुछ ही देर में असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के सांसद और प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके पास एक बार कमाल फारूकी साहब आना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया, उसमें प्रधानमंत्री को बताया गया कि जाइए सरहद की तरफ देखिए, लात जूते का सहारा लेना पड़ेगा तो वो भी लेंगे। लेकिन आप लोगों को एक बड़ी साजिश दिख रही है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड थोप रही है सरकार, डिक्टेटर बन रही है सरकार। इसके लिए आप प्रमाण दीजिए, दलील दीजिए कि क्यों ऐसा कह रहे हैं। दो वजूहात हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम तो शुरू से जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब की इज्जत करते हैं और उनकी इस बात की इज्जत करते हैं कि उन्होंने कहा था कि मैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्राइम मिनिस्टर हूं। हाँ। जब ये इशू आया और हमने अखबारात में और बाकी न्यूज में सुना कि कोई व्यू लेने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो और सुप्रीम कोर्ट की अगर आप पूरी जेनेसिस में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जेनेसिस में कोई मुसलमान कहीं इन्वॉल्व नहीं था। एक हिंदू कपल का एक मामला था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके ऊपर हमारे जज महाजन ने मतलब कि जो पूरा ऑर्डर है वो कुछ और था, और आखिर के दो पन्नों के अंदर उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के भी साथ ज्यादती हो रही है, जबकि उनके पास ऐसा कोई वो नहीं था, डिटेल नहीं थी। उन्होंने खुद ही ऑन हिज ओन सुओ मोटो ये किया, और उसके बाद उन्होंने उसका PIL भी फाइल कर दिया जो बाकायदा मसले के केस बने। उसके बाद फिर दो चार जो खवातीन के हमारे केसेस वगैरह मुसलमानों के आने शुरू हुए, तो हमने जब ये हमको ये पता चला कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर अपना एक व्यू बनाने का मन बना लिया है, तो हमने फौरन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को और हमारे जितने भी पांचों ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हैं उन सबको और माइनॉरिटी मिनिस्टर को हमने लेटर भेजा। हाँ। कि हमें ऐसा लग रहा है कि आप एक व्यू लेने वाले हैं, तो इससे पहले कि आप अपना व्यू लें, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कि मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात है जो सारे स्कूल ऑफ थॉट्स को लेती है, उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए। आप माने या ना माने ये आपकी मर्जी है, लेकिन क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के और हम भी बड़ी तादाद में एक हिंदुस्तानी कम्युनिटी मुसलमानों की मौजूद है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने या किसी मिनिस्टर ने एक्नॉलेज तक नहीं किया उस लेटर को, फारूकी साहब उस लेटर को एक्नॉलेज तक नहीं किया। फारूकी साहब, मैं थोड़ा हस्तक्षेप कर दूं क्या? दिमाग पहले बना लिया था, नंबर एक नंबर नहीं, आप सुन लीजिए, आपने 3 मिनट से नहीं, आपने तर्क कोई नहीं दिया है, मुझे आप तर्क नहीं दे रहे हैं, आप कहानी आप नैरेट कर रहे हैं, आपने क्या? नहीं आप मुझे दो एक सब, आप मैं तर्क भी दूंगा, देखिए ऐसा है, आप ये बताइए आपको किसने रोका है तर्क देने से? आप तो कहानी सुना रहे हैं, कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। लात जूते का मतलब बताइए, इस देश में कोई संगठन भारतीय राज्य को, आप मोदी जी को चुनौती नहीं दे रहे हैं, आप भारतीय राज्य को चुनौती दे रहे हैं जब कह रहे हैं लाख जूते खाने के तैयार हैं। आप सिविल वार की बात धमकी दे रहे हैं, आप सिविल वार की धमकी दे रहे हैं इस देश में। 47 के बाद से ऐसी धमकी किसी ने नहीं दी थी। आप मुझे बताइए, आप एक मीनिंग बता दीजिए, लाख जूते का क्या मीनिंग है? आप उस बोर्ड के मेंबर हैं, सिग्नेटरी हैं। एंकर साहब, आप पहले इनको कहिए मेरी बात मुकम्मल हो जाए, वरना मैं खामोश हो जाऊंगा और मैं विड्रॉ कर दूंगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है, कमाल फारूकी साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, पांच लोग हैं, अगर आप बैकग्राउंड बताने में ज्यादा टाइम ले लेंगे सर, मैंने आपसे पूछा तर्क और दलील बताएं, वहां तक पहुंचने में सर इतना टाइम लग गया, प्लीज दो ऐसी दलील बताएं जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार साजिश कर रही है। उसके बाद श्रीकांत शर्मा जी से मैं रिस्पांस लेना चाहती हूं, फैक्ट्स पे बात कीजिए, दो दलील कैसे मोदी सरकार साजिश कर रही है, बदनीयती है सरकार, ये कहा गया है आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहली बात तो ये क्या, अगर इतनी डिटेल के बाद भी आपको पहले नहीं समझ में आया तो मैं क्या कर सकता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी अपना व्यू बना लिया था कि उनको ये व्यू लेना है, क्योंकि उनका ये एजेंडा है। जहां तक लॉ कमीशन का ताल्लुक है, लॉ कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट अभी लिंक नहीं है, वो एक अदालती मामला है जिसमें हमने एफिडेविट फाइल किया है, बाकी और लोग भी एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, हमारे सामने सुमन जी बैठी हुई है, उनका बाकायदा पिटीशन उसके अंदर मौजूद है, और बहुत सारी भी खवातीन है। श्रीकांत शर्मा जी जवाब दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में रहे, ये लॉ कमीशन के जिस तरह के क्वेश्चनर है इस तरह से नहीं चलेगा। श्रीकांत शर्मा जी, देखिए अंजना जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बेहुदगी की पराकाष्ठा, मैं उसको कहूंगा,
मुझे बहुत मजबूरी में इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसको लेकर कोई तर्क देने के लिए इनके पास कोई तर्क नहीं थे। जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं तो आप कुतर्कों का सहारा लेते हैं। भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ पर जो देश है वो कानून से चलता है, संविधान से चलता है। अब ये जो आज हम चर्चा अंजना ओम कश्यप आज चर्चा क्यों कर रही हैं? चर्चा इसलिए कर रही हैं कि कुछ हमारी मुस्लिम बहनें अपने अधिकारों को लेकर, क्योंकि उनके मौलिक अधिकारों का, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए वो कोर्ट में गई और कोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई। अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो इस मसले में जो पार्टियां हैं, एक तो हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं जिन्होंने अपने अधिकार के लिए याचिका लगाई वो है, दूसरा इसमें पक्ष एक सरकार का है, और तीसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो आप इनको देखिए कि जहां आप इस देश के अंदर जब संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो जब हम यहां पर सीधे सीधे महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, महिलाओं के बराबर के अधिकार दिए जाएं, महिलाओं को प्रताड़ित करना कौन से संविधान में लिखा हुआ है? आप अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, अगर वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट मांगता है सरकार से जवाब कि आप अपना जवाब दाखिल करिए, और सरकार ने अपना एफिडेविट दाखिल कर दिया कि ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और जो हमारे मित्र आपके चैनल पर बैठे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं जनाब, आपको तो इस देश के मुल्क के जो और मुसलमान लोग हैं उनको समझाना चाहिए कि ये किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। और मैं आपके पास ये सरकार का एफिडेविट है, और इसमें जो राज्य हैं, 22 राज्य हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं, उसमें वो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, महिलाओं के अधिकारों को लेकर वो सीधे सीधे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। तो ट्रिपल तलाक को जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने खारिज कर दिया है, हम तो सेकुलर कंट्री हैं, क्या हम अपने महिलाओं के अधिकारों के लिए अगर वो लड़ाई लड़ रही हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार दखल दे, सरकार अपना जवाब पाकिस्तान में नहीं दे सकते, कोर्ट को दे, तो हमने तो जवाब दिया है। बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं दे सकते ट्रिपल तलाक, आप बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते, ऐसे 22 इस्लामिक देश हैं जिसमें आप ट्रिपल तलाक नहीं दे सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में दे सकते हैं। नूरजहां जी, आप सबसे पहले एक बेसिक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप इनके साथ हैं इस फैसले में? कि इनके साथ में आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो कहा गया है कि ये साजिश है सरकार की यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की, आप सहमत हैं उससे? नहीं, हमारा ये मानना है कि मुस्लिम फैमिली लॉ का कोडिफिकेशन होना चाहिए। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के तरफ से हमारा ये मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी की जरूरत नहीं है। फिलहाल जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है हिंदू समाज के लिए, क्रिश्चियन समाज के लिए अपना पर्सनल लॉ है, पारसी समाज का भी अपना पर्सनल लॉ है, ठीक उसी तरह मुस्लिम समाज के लिए भी अपना एक कोडिफाइड फैमिली लॉ हो जिसमें औरतों के अधिकारों की सुरक्षा हो, उसमें ट्रिपल तलाक ना हो, उसमें हलाला जैसी कोई बेसिक जवाब मुझे मिल गया, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे लिए कानून लौट रही हूं, मैं लौट रही हूं आपके पास। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। ओवैसी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही, आपने कहा है कि ये सरकार जो है प्रिजुडिस्ट माइंड से इस तरह के सवाल पूछ रही है और एक साजिश है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं और उसी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या दलीलें हैं और कैसे सरकार के इस स्टेप को आप काउंटर करेंगे? लॉ कमीशन की तरफ से जो सवाल पूछे गए क्या गलत है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां सरकार जेंडर जस्टिस की बात करके जेंडर जस्टिस के बहाने अपने हिंदुत्व एजेंडे को लाना चाहती है। मेरा सवाल सरकार से यह है आपके चैनल के जरिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39C है जो ये कहता है कि सारी दौलत किसी शख्स के पास ना जमा हो जाए। मालिया 9,000 करोड़ लेकर भाग गया, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट 40,000-50,000 करोड़ बैंक्स को देना है, ये एक वायोलेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 39C का। 39F देख लीजिए, हेल्थ, हम चाइल्ड लेबर में अमेंडमेंट लाते हैं कि अगर कोई सी फैमिली का बिजनेस होगा तो बच्चा काम कर सकता है। तीसरा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली 1952 से टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है, किसी और को नहीं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन के खिलाफ है। चौथा मेरा पॉइंट यह है कि सरकार जो धोखा दे रही है हिंदुस्तान की आवाम को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, आप देख लीजिए कि वेदांता के माइनिंग, हम माइनिंग अलाउ करते हैं फॉरेस्ट में, जबकि ट्राइबल्स कहते हैं कि ये फॉरेस्ट हमारे लिए
एक खुदा है मगर हुकूमत माइनिंग अलाउ करती। छठा मेरा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि कई टेम्पल्स और उन टेम्पल्स के ट्रस्ट को एग्जेम्पशन मिलता है, वहीं पर आप इनको नहीं देते। हमारा सवाल यह है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में नागालैंड और मिजोरम को जो प्रोटेक्शन दिया गया है कल्चरल राइट्स का, क्या उसको निकाल देंगे? आप नागा फ्रेमवर्क ऑफ एग्रीमेंट आवाम में नहीं लाते, पब्लिक डोमेन में नहीं लाते। सातवीं बात यह है कि गोवा का मैरिज एक्ट है, क्या आप उसको खत्म कर वैसे साहब इसी संविधान का अनुच्छेद 44 क्या कहता है? मुझे खत्म कर दीजिए। नहीं, आप डिबेट यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कर रहे हैं। 44 भी कहता है, 45 भी कहता है, 39C भी कहता है, 39F भी कहता है, बहुत से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। शराब बंद करिए पूरे मुल्क में, महात्मा गांधी ने कहा था कि शराब बंद करिए, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। आप क्यों नहीं लाते डायरेक्टिव प्रिंसिपल उस पर? आप क्यों नहीं उसको बनाते? लॉ कमीशन के जरिए मोदी सरकार जो इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पा रही है, डॉलर 70 रुपए हो चुका है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव हो चुकी है, अनएम्प्लॉयमेंट 5 साल में बढ़ चुका है, इसकी नाकामी को छुपाने के लिए हिंदुत्व एजेंडे पर यह सरकार आ चुकी है। श्रीकांत जी, छोटा सा जवाब इसका जल्दी से। देखिए, एक तो हमारे जो काबिल मित्र आपके चैनल पर जो आर्टिकल्स का जो डिटेल्स दे रहे हैं, अरे जनाब 10 साल से आप तो सोनिया गांधी जी की और राहुल गांधी जी की गोद में बैठे थे, तब हाउस के अंदर इन सवालों को क्यों नहीं उठाया? आप चर्चा हो रही है या मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की, और जिन मुस्लिम बहनों ने कोर्ट में याचिका लगाई है, मुझे लगता है कि आप बुद्धिजीवी हैं, लेकिन आप इस सब्जेक्ट पर बात नहीं करना चाहते क्योंकि आपके पास कोई तर्क ही नहीं है, इसलिए आप कुतर्कों का सहारा ले रहे हैं। आप ये बताइए कि इसमें पार्टी मुस्लिम बहनें पार्टी हैं, सरकार ने अपना जवाब दिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। जब दुनिया के तमाम देशों में रिफॉर्म्स लागू होते हैं, अब आपके 22 जो इस्लामिक कंट्री हैं वो रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, ट्रिपल तलाक को उन्होंने समाप्त कर दिया। ये तो मैं कहता हूं कि इस देश के कुछ लोग हैं जिनकी जिनकी जो मानसिकता है, गरीब मानसिकता के कारण वो किसी रिफॉर्म्स को लागू नहीं होना चाहते, उसको कहीं ना कहीं आप रिलीजन का एंगल देना चाहते हैं। महिलाओं को हथियार बनाकर ये सरकार हिंदुत्व का एजेंडा लागू कर रही है, हम ये क्यों ना इनके आरोप को मैं पूरी तरह से खारिज करता हूं। ये क्यों ना पूछा जाए कि आप रिफॉर्म विरोधी हैं? निश्चित रूप से ये महिलाओं के जो अधिकार हैं उनका ये विरोध कर रहे हैं, हिंदुओं में अगर जब शादी होती है पीछे हैं। अरे यार, अरे इनको खामोश बिठाइए प्लीज। अरे यार, अरे खामोश तो आपको लोगों ने कर दिया, आपका दोहरा चरित्र है। नहीं, आपका दोहरा चरित्र है। आप जिन आर्टिकल्स की आप यहाँ बात कर रहे हैं, उन आर्टिकल्स पर 10 साल आपने क्या किया? आप संसद के अंदर क्या करते रहे? क्या आपने कभी राहुल गांधी को सुझाव दिया? ओवैसी जी से जवाब ले ले, सुझाव दिया, जवाब भी दे। ओवैसी जी से जवाब ले ले, आप इस चर्चा के एजेंडे को डाइवर्ट मत करिए। ओवैसी जी, अंजना, आप इनको जवाब क्यों नहीं देने देती हैं? सरदार ओवैसी को, ओवैसी जी जवाब दे, जवाब क्यों नहीं देने देती हैं आप? श्रीकांत जी जरा रुक जाए, ओवैसी साहब जवाब दे। अरे फारूकी साहब, ओवैसी साहब को किसी वकील की जरूरत नहीं है। सुनिए श्रीकांत, हमारे श्रीकांत साहब आप सुनिए, आपकी अकल में इजाफा करता हूं अभी। सुनिए, हिंदुओं में जब शादी होती है तो धार्मिक बंधन होता है, इस तरह के शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। अरे यार, एक सेकंड प्लीज, वैसे साहब इस तरह के शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करता। अरे अपनी जहालत का मजारा क्यों कर रहे हो बीच में बोल के? आपसे बड़ा, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? एक सेकंड आप व्यक्तिगत चर्चा मत ले जाइए, आप तूतू में इस डिस्कशन को मत ले जाइए, आप गाली गलौज पर इस चर्चा को मत ले जाइए। मेरा आग्रह है आपसे प्लीज, ये हमारे महिलाओं के अधिकारों की चर्चा है और आपसे अपेक्षा है कि आप तर्कों के साथ अपनी बात कहें। ठीक है, सुन वैसे, अरे मेरे भाई जरा सुन तो लो ना, उसके बाद अपनी मंतिक को जारी रखो, सुन तो लो। मुसलमानों में जब शादी होती है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिंदुओं में जब शादी होती है तो धार्मिक बंधन आप कहते हैं। और मैं आपको 2011 का इसी सरकार का सेंसस दे रहा हूं कि हमारे मुल्क में 12 मिलियन शादियां 10 साल के उम्र के लड़कियों की हुई है, जिसमें हिंदुओं के 84% है। और आप मुझे बताइए कि आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दीजिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वो तो पावर से जा चुके हैं। मैं किसी के गोद में बैठा नहीं हूं, जिस तरह आप आरएसएस की खाकी पैंट पहनकर किसी गोद में बैठे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपके हिंदू धर्म में मिताक्षरा और दया का जो स्कूल ऑफ थॉट है, सुन तो लीजिए। हम यहाँ हिंदू मुसलमान की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बहुत सहमत हो रही है आपको। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की, इनका हनन हो रहा है, आप डाइवर्ट क्यों करते हैं चर्चा?
आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप, और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो ये कि क्या देश में एक कानून होना चाहिए, क्या वाकई सरकार थोप रही है ये कानून, और यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है दबाने की कोशिश कर रही है इस देश की बहुसंस्कृति को, या फिर वाकई रिफॉर्म के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई आवाजें जाती हुई देश में दिख रही हैं। ओवैसी साहब का सीधा आरोप है राकेश सिन्हा जी, और वह सवाल सीधा आपसे दागना चाहती हूं। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को हथियार बनाकर आप लोग हिंदुत्व का एजेंडा थोप रहे हैं। जवाब देखिए, यदि हिंदुस्तान में महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तर पर समान अधिकार देना हिंदुत्व का एजेंडा है, इसीलिए हम कहते हैं हिंदुत्व और राष्ट्रीयता में कोई अंतर नहीं है। आज आपने साबित कर दिया। 43 साल की विवाह के बाद, जब साहबानों को 5 बच्चे की मां होने के बाद बीमार साहबानों को कहा जाता 25 रुपया लो और जाओ, क्या हम साहबानों को बर्दाश्त कर सकते हैं इस देश में? आप जिस धर्म के नाम पर कह रहे हैं और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ओबीसी साहब, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अली बोगरा को वहाँ की महिलाओं ने नहीं बख्शा, जो मुस्लिम समाज में जो चर्निंग आ रही है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, और आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो अजरबैजान, कजाकिस्तान, ये दो नए राष्ट्र बने, दोनों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड आज से 50 साल पहले से है, क्या वो हिंदुत्व का एजेंडा है? दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, पूरे विश्व में 5 ही सिर्फ ऐसे मुस्लिम देश हैं जिसमें 5 ही ऐसे देश हैं जिसमें सऊदी अरबिया और भारत है, जहां पर पर्सनल लॉ को टच नहीं किया गया है। 22 मुस्लिम देशों ने परिवर्तित किया है, और श्रीलंका में 2006 में उन्होंने मैरिज डाइवोर्स एक्ट को परिवर्तित किया है। और अंतिम एक सवाल मैं इनसे करना चाहता हूं, अंतिम सवाल करना चाहता हूं, आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय हिंदुत्व का पार्ट नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय को डिग्रेड मत कीजिए। जो जेडे अंसारी ने पार्लियामेंट में कहा जब राजीव गांधी वो बिल ला रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय का जज इतना छोटा है कि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, हमारे शरीयत पर बात नहीं कर सकता है, उसको मत दोहराइए, हिंदुस्तान बदल चुका है, आपको मुस्लिम महिलाएं ही अली बोगरा की तरह असदुद्दीन ओवैसी पर डाल देंगी। नहीं, सबसे पहले तो राकेश सिन्हा साहब झूठ बोल रहे हैं। इनकी झूठ ये है कि ये गोवा की मिसाल देते हैं, गोवा में अगर कोई कैथोलिक शादी करता है तो कैथोलिक लॉ अप्लाई होता है, अगर कोई हिंदू हिंदू लॉ के तहत करता है तो हिंदू लॉ अप्लाई होता है, और गोवा में हिंदुओं को लिमिटेड पॉलीगमी की इजाजत है। ये क्या वो गोवा में इनकी सरकार है, क्या उसको खत्म कर देंगे? को बता देता हूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के तहत टैक्स रिबेट्स 1952 से मिल रहे हैं, वो मुसलमानों को क्यों नहीं देते आप? तीसरी बात, 2011 का सेंसस, में फिर से दोहरा रहा हूं अपने पॉइंट को, कि 12 मिलियन हमारे मुल्क में 10 साल की लड़कियों की शादियां हुई हैं, जिसमें मेरे नहीं है, सेंसस ऑफ इंडिया कह रहा है कि 84% हिंदू लड़कियां हैं। आप सुन लीजिए, चौथी बात सवाल है कि क्या हमारे जो अरे मुकम्मल करने दीजिए, अगर मुझे प्रोग्राम पे बुलाना है तो मुझे अपनी बात कहने दीजिए, ठीक है राकेश जी, मैं एक बार पूरी करना चाह रहा हूँ, वैसे साहब पूरी कर मिताक्षरा और दयाबागा स्कूल में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बना सकेंगे आप? मेरा और एक पॉइंट ये है कि अगर कोई बुद्धिस्ट शादी करता है जैन से और सिख के रिलीजियस राइट्स के ऊपर, क्या आप उसको अलाउ करेंगे? नहीं। इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ की जरूरत है। और अगर मुस्लिम औरतों की आपको इतनी फिक्र है राकेश सिन्हा साहब, तो आप खुदा के लिए ज़किया जाफरी से इंसाफ कर दीजिए, आप मुझे ज़किया जाफरी से इंसाफ कर दीजिए, जिन लोगों की इस्मतें लूटी गई हैं गुजरात में उनसे इंसाफ कर दीजिए, मैं इंसाफ दे रहा हूं ना, जवाब सुन लीजिए, बेटे से इंसाफ, अरे ओवैसी साहब बताइए, हलाला झारखंड में ये आधुनिक युग में कल मार कर फेंक दिया गया पुलिस कस्टडी में, आपकी गवर्नमेंट है, नहीं कर रहे हैं उस पर, कर लेंगे डिबेट, को तबाह करना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम, मुझे जवाब दे दीजिए, ये ऐसे सवाल उठा रहे हैं, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान से लेना देना नहीं है, इस मुल्क की आजादी के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया, और फंडामेंटल राइट्स, राइट टू रिलीजन एक बहुत बड़ा राइट है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के ऊपर है, डायरेक्टिव में शराबबंदी है, शराब को बंद करिए, संविधान के भी ऊपर है, कागज के पूरी दौलत किसी के पास नहीं होनी चाहिए, उसको बंद करिए, ओवैसी साहब
संविधान के भी ऊपर है राइट टू रिलीजन। मैं एक इनको जवाब दे दूं जी। सर शराबबंदी को संविधान ने और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बराबर रख रहे हैं। जी ने दो सवाल उठाए, मैं दोनों का जवाब दे दूं। 30 सेकंड मुझे दीजिए। 30 सेकंड राइट है, फंडामेंटल राइट पहले है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल बाद में है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सबको मानना पड़ेगा, मगर हुकूमत की साजिश ये है कि आप अगर पाकिस्तान की मिसाल देते हैं जहां पर मस्जिदों में बम ब्लास्ट होता है, आप उज़्बेकिस्तान की मिसाल देते हैं जहां पर डिक्टेटरशिप है, आप मोरक्को की एग्जांपल देते हैं जहां पर फैमिली रूल है, दो सवाल उठाए हैं, बांग्लादेश की मिसाल देते हैं जहां पर फंक्शनल डेमोक्रेसी नहीं है। आपने दो से हिंदुस्तान की बात सुन लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बात सुनने के लिए हम यहां बैठे हुए हैं कि हिंदुस्तान में मनुवाद को नाफिद किया जाए, मनुवाद को नाफिद करना चाहते हैं लोग। मैं 30 सेकंड में आपका जवाब दे देता हूं, मुझे ज्यादा लंबा समय चाहिए। एक सवाल, आपने कहा कि बच्चों की शादी हो रही है और यह सामाजिक कुरीति है, किसी भी बच्चे की शादी होती है तो कोर्ट में जा सकता है, उसको सजा मिल सकती है, यह सामाजिक कुरीति होना और कानूनन तरह से न्याय मिलना दोनों में बुनियादी अंतर है। और एक बात मैं कह दे रहा हूं, एक बात सुन लीजिए कि मुस्लिम महिलाओं का की मांग आ रही, 50,000 मुस्लिम महिलाओं ने मांग दी है, ओबीसी साहब महिलाओं को बराबर करना सीखिए। हलाला का क्या सिस्टम है, क्या मध्य युग का हलाला डिवोर्स देने के बाद महिला को कहते हैं आप दूसरे मर्द के साथ पहले विवाह करो फिर हम सब शादी करेंगे? क्या मध्य युग की यह हलाला संस्कृति आधुनिक युग में चल सकती है? श्रीकांत जी एक छोटा सा जवाब ठीक है श्रीकांत जी, इसका जल्दी से एक छोटा सा जवाब 30 सेकंड्स का, सब फिर शायद अंबर जी और तमाम अन्य लोगों के पास में जाओगे। श्रीकांत जी सबसे पहले तो मैं बिल्कुल आर्य मैम एक आर्य मैम गिव मी 30 सेकंड दीजिए मैम। अंजना जी आज हम चर्चा कर रहे हैं महिलाओं के अधिकारों पर, हम हिंदू और मुसलमान पर चर्चा नहीं कर रहे, नंबर एक। नंबर दो, आपको जो रिलीजन है आपका, वो आपकी परंपरा जो है कि किसी को जलाना है, किसी को दफनाना है, किसी का श्राद्ध करना है, किसी का चालीसा होगा, किसी के बारे ब्राह्मण होंगे, यहाँ तक का आपका धर्म आ गया। लेकिन जहाँ अधिकारों की बात आती है अंजना जी, तो इस देश में जो कानून है और संविधान है उसके पास ही आपको जाना पड़ेगा। तो ये सीधा सीधा मसला महिलाओं के अधिकारों का है, महिलाओं के मानव अधिकारों का है, उनसे जुड़ी जो दिक्कतें उनसे है, और इसमें कई हिंदू मुसलमान है ही नहीं, इसमें तो एक याचिका है जो मुस्लिम महिलाओं ने कोर्ट में लगाई और आज कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। तो हमारे जो मित्र हैं वो अनावश्यक रूप से इसको हिंदू मुस्लिम हलाला पे जवाब ले लीजिए, क्योंकि ओबीसी साहब नहीं चाहते कि रिफॉर्म इस देश में लागू हो। ओबीसी साहब हलाला पे जवाब दीजिए, हलाला की सरकार का क्या सिस्टम है? एक सेकंड, नहीं मैं शाइस्ता अंबर जी को अब शामिल करना चाह रही हूं, मैं आऊंगी ओवैसी साहब, थोड़ा सा रुक जाए एक सेकंड। शाइस्ता अंबर जी क्या आप ओवैसी जी की बातों, फारूकी साहब इसके बाद फौरन सा, शाइस्ता अंबर जी क्या आप ओवैसी साहब की बातों से सहमत हैं कि महिलाओं को हथियार बनाकर दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ सरकार बढ़ रही है, और क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, मैं ओवैसी साहब का समर्थन करती हूँ, और ये एक ड्रामा है केंद्र सरकार का, मुस्लिम बहन महिलाओं के तलाक और निकाह और विरासत, ये शरीयी मामला है जिसको हमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जो दारुल कजाओं से महरूम हो गई हैं वो अदालत जा रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतें ईमान और शरीयत पर यकीन करती हैं और शरीयत से अलग नहीं जाएंगी। आपने किसने चुना है, कितनी मुस्लिम महिलाओं की आप प्रतिनिधि हैं, आपने कहां से चुनाव लड़ा है, किस मुस्लिम महिलाओं ने यह कहने का अधिकार दिया है? 50,000 मुस्लिम महिलाओं ने पिटीशन दिया है, उनके पिटीशन को देखिए। आप मुस्लिम महिलाओं पर प्रतिक्रियावादी जो शरीयत कानून है उसके एजेंट मत बनिए। अब एक बार सभी की आवाज आए, एक बार मैम शाइस्ता मैम एक बार सबकी आवाज आ जाए। जाकिया सोमान नामबियार जी आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप अपनी बात पूरी करें। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल साफ है। हाँ। आज भारत देश में मुसलमान महिला क्या मांग रही है, वो अपने कुरानी अधिकार मांग रही है। वो पूछ रही है कि जब कुरान में तीन तलाक नहीं है तो हमारी जिंदगी में तीन तलाक क्यों होता है। वो पूछ रही है कि जब अल्लाह ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया, अल्लाह ने हमको बराबर बनाया, तो ये मर्द कौन होते हैं हमारे साथ भेदभाव करने वाला। सो महिलाएं कुरान में दिए गए अधिकार मांग रही हैं, साथ ही साथ संविधान में नागरिक के तौर पे जो अधिकार दिए गए हैं वो भी मांग रही हैं। और अब वक्त आ गया है कि धर्म के नाम पे जो राजनीति चल रही है और धर्म के नाम पे जो पितृसत्ता चल रही है हमारे देश में, इसको खत्म किया जाए। तो इसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, ठीक है एक सेकंड, देश की मुसलमान महिला बदल रही है, एक सेकंड, इसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो आप इससे सहमत हैं? आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड को चुनौती दे रही हैं?
पहली बात, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं अपना प्रतिनिधि नहीं मानती हूँ, और मेरा ये कहना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के सामने ये पर्याय होना चाहिए कि वो चाहे तो सेक्युलर लॉ में शादी करे, चाहे तो धार्मिक लॉ में शादी करे। सो ये एक विकल्प भारत के हर नागरिक के सामने होना चाहिए कि उसको सात फेरा करना है, या उसको कन्यादान करना है, या उसको निकाह करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, भारत के नागरिक के सामने होने चाहिए। मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। लॉ कमीशन ने अंजना, मैं वही कह रही हूँ कि लॉ कमीशन ने जो अभी एक कदम उठाया है, हाँ? कि भारत के नागरिकों की इस विषय पे राय मांगी है, हाँ? कि आप बताइए कि क्या ये सही है या वो सही है या वो सही है। अब भारत के नागरिक उसमें अपनी राय देंगे। ये आइदर और का मामला नहीं है अंजना, ये हाँ? जेंडर जस्टिस की बात है, ये इक्वालिटी की बात है। ठीक है, तो मुस्लिम का आपका नजरिया ये है, ठीक है, आपका ये नजरिया होना चाहिए। और साथ ही साथ अब फारूकी साहब के पास मैं जाना चाहती हूँ। फारूकी साहब, हलाला पे हलाला पे मैंने सवाल उठाया ना, हलाला क्या है? आप किसी रिलीजन के एक कस्टम पे पूरी बहस को सीमित करना चाहते हैं? एक कस्टम पे आप पूरी बहस सीमित करना चाहते हैं? मेरे हिसाब से ये ठीक है। कमाल फारूकी साहब, मेरा राकेश से कहिए, राकेश साहब से कहिए, हमारे दोस्त खामोश रहे। नहीं नहीं, हमारे साथ सर खामोश मत कर दीजिए, आवाज सबकी आनी चाहिए, जितनी आपकी उतनी इनकी। एक सेकंड फारूकी साहब, सवाल सुनिए सर, टाइम मत वेस्ट। सवाल ये है कि एक तो इसी शो पर बैठी एक महिला क्वेश्चन कर रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मैं अपना प्रतिनिधि मानती ही नहीं, ठीक है, इस पर आपका जवाब। दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि जरा आप समझाएं इस देश को कि लात जूता होता क्या है, जिसकी बात आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। लात जूता क्या है, लात जूता कैसे करते हैं आप? जी मैं दो पॉइंटेड सवाल, दोनों तीनों चीजें आप बताता हूं। हाँ। पहली बात तो यह है जो जी नहीं, लेकिन आपने शाइस्ता अंबर की बात का जवाब नहीं दिया, जिन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया, हाँ, कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं चाहते हैं। हाँ। नंबर दो, जकिया सुमन साहिबा ने इस सवाल को बहुत खामोशी से स्विच कर दिया, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि उनकी असली लड़ाई मुस्लिम पर्सनल लॉ से है या मसीह के औरतों के राइट से। तीसरी बात यह है, उन्होंने जो कही कि जहां तक उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि अधिकार होना चाहिए कि चाहे वो इस लॉ में करें या उस लॉ में करें, तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है और जकिया सुमन के लिए भी इत्तला के लिए अर्ज है कि हमारे यहां इंडियन मैरिज एक्ट है जो कि हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर उसको किसी पर्सनल लॉ में नहीं जाना है जकिया बहन, तो वो अपने इंडियन मैरिज एक्ट के अंदर जा सकता है, जिसके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरी बात, जो हलाला की बात उन्होंने कह रहे हैं, डिबेट का मूल मुद्दा ये नहीं है फारूकी साहब, उत्तरा विवाह विवाह तलाक अधिकार में समान अधिकार की बात है। सुनिए, हिम्मत कीजिए प्लीज राकेश सिन्हा साहब, हिम्मत से जवाब सुनिए, हिम्मत से जवाब सुनिए। जवाब तो दे नहीं रहे हैं आप। जो हलाला की बात कही है, कोई भी, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी बात का, हलाला का, हलाला की जो आपने जवाब मांगा है वो बिल्कुल गलत आपका परसेप्शन है। हलाला अगर कोई मौलवी, कोई आदमी अगर कोई इस तरह का एग्रीमेंट कर रहा है तो वाइड एब इनिशियो है, क्योंकि इस्लाम ने सिर्फ एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी के ऊपर काम बताया है। और हमने अपने वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, मैं चलते चलते बस एक एक छोटा सवाल ओवैसी साहब आपसे और श्रीकांत जी करना चाहती हूँ, विद इन एक मिनट हमें वाइंड अप करना होगा। ओवैसी साहब, कुल मिलाकर सवाल ये है जो कि मुझे लगता है उसके मूल तक पहुंचे बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या हम एक डर और खौफ की वजह से मुस्लिम समुदाय को रिफॉर्म से दूर रख रहे हैं? क्या ये इल्जाम आने वाले वक्त में आप पर लग सकता है? नहीं तो क्यों? बिल्कुल नहीं। मुस्लिम समाज में इंटरनल रिफॉर्म ज्यादा हो रहा है, निकाह नामे में बहुत से कंडीशंस औरत ऐड कर सकती है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट मुसलमानों को तलाक बोल के तलाक नहीं दे सकती है, वो सर, वो निकाह कबूल है या नहीं कह सकती है, लेकिन वो तलाक नहीं कह सकती है। अरे महिलाओं को बराबर तो मान लीजिए। आप सुनेंगे अंजना जी, आप प्लीज जल्दी से 10 सेकंड आप जरा एक बात समझ लीजिए कि मुसलमानों में जो हनफी है, हाँ। सुनिए, जो हनफी है उनका तलाक देने का तरीका अलग है, जो अहले हदीस है, जो शिया है वो अलग है। आप इसको समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज है वो रहेगी, मसला कोर्ट में है,
पर्सनल लॉ बोर्ड कोर्ट को गया है। मैं हुकूमत से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इकोनॉमी को रिवाइव करिए, डॉलर को कम करिए, आप मुसलमानों के पीछे मत पड़िए। में जीते रहिए, एजेंडे से हम डरने वाले नहीं है, इससे मुल्क को आप कमजोर कर रहे हैं, हमको नहीं। इसी के साथ हमें इस बहस का अंत करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखते रहिए आज तक।